हेलो दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के ऊपर आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन आपको जो सीआरटी टीवी होता है और सेट टॉप बॉक्स भी हो सकता है, डीटीएच भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेट हो सकता है, तो वो करंट क्यों मारता है? करंट का मतलब होता है कि जब आप उस पीसीबी का और उसका जो बॉडी का अंदर इस टाइप, ये जो ये भी ऑडियो वीडियो इनपुट जैक होता है, इस पर जब आप टेस्टर टच करेगा तो टेस्टर जलता है, ठीक है? तो इसका रीजन के तक क्या होता है? और दोस्तों, इस पर जब आप टच करेगा तो बहुत झटका देता है, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है और दोस्तों ये एक खतरनाक भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको रिपेयर करके कैसे रिपेयर किया जाता है मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेट हो सकता है, तो उसका जो पावर सेक्शन होता है वो पावर सेक्शन को आपको क्लियर कर देता हूँ। ये दोस्तों, जो टीवी का जो पावर सेक्शन होता है, देखिए बीच में एक बॉर्डर जो देखा जाता है, ये हॉट सेक्शन का होता है। ये बॉर्डर का अंदर ये जो सेक्शन होता है, ये हॉट सेक्शन होता है जिस पर एसी इनपुट होता है। और दोस्तों, और ये दूसरा पार्ट जो होता है, ये कूल सेक्शन होता है। तो देखिए, ये बीच में एक चॉपर होता है, ये चॉपर का प्राइमरी पिन होता है और ये चॉपर का सेकेंडरी पिन होता है, ठीक है? और इधर का जो पिन होता है, इधर का पिन से इधर का पिन का कोई कनेक्शन नहीं है। इधर जो वोल्टेज रेगुलेट करता है, इसी का रेगुलेट करने के बाद इधर ये मैग्नेटिंग हो, बीच में मैग्नेटिंग होता है चॉपर। मैग्नेटिंग होने के बाद ये अलग अलग जो पिन होता है, इस पर वोल्टेज आउटपुट होता है। मैं ऊपर से देखा देता हूँ, ये दोस्तों चॉपर है और ये प्राइमरी सेक्शन होता है और इधर सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो बीच में जो मैग्नेटिंग होता है, मैग्नेटिंग का बजाय ये अलग अलग पिन से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है, तो कभी कभी ये चॉपर शॉर्ट हो जाता है। और दोस्तों, हाई मैग्नेटिंग का बजाय इधर जो नेगेटिव सेक्शन होता है, ये करेंट हो जाता है, ये एक रीजन होता है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये हॉट सेक्शन का एक नेगेटिव, ये दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, देख लीजिए, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, ठीक है? ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का इधर जो नेगेटिव होता है, ये देख लीजिए, ये जो नेगेटिव लाइन यहाँ से, दोस्तों ये नेगेटिव लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर ये जो कूल सेक्शन का जो नेगेटिव, ये देखिए ई एस टी का नेगेटिव है। ये दो नेगेटिव अलग होता है, ये दो नेगेटिव का साथ एक पी एफ है, ठीक है? और ये लाइन जो होता है नेगेटिव, ये लाइन से देखिए इधर एक रेजिस्टेंस होता है। तो कभी कभी सेट पर दो पी एफ और एक रेजिस्टेंस होता है, आपको देखना होगा। तो ये पी एफ और ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होने के लिए और लीकेज होने के लिए इधर जो नेगेटिव साइड होता है, ये करंट हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पी एफ, ये देखिए, ये जो पी एफ होता है, ये हॉट और कूल सेक्शन का बीच ये पी एफ होता है। और इधर जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये हॉट और कूल सेक्शन का बीच एक रेजिस्टेंस होता है। ये दो रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होने के लिए ये पीसीबी करंट हो जाता है। तो दोस्तों, आप ये पीसीबी, ये इस टाइप, ये जो रेजिस्टेंस और ये जो पी एफ, ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस और पी एफ होता है, ये चेंज कर दीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपके पास ये पी एफ नहीं है तो फर्स्ट ये पी एफ का ओपन कर दीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये पी एफ और रेजिस्टेंस ओपन करने का बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपको ये चॉपर को चेंज करना होगा, तब ये प्रॉब्लम ओके हो जाएगा। आप ये सी आर टी टीवी का किट हो, एल सी डी का किट हो, आप डी टी एच सेट टॉप बॉक्स फ्री डिश कोई भी का किट हो, सभी का इस टाइप आपको कूल और हॉट सेक्शन का जो नेगेटिव होता है, ये बीच में इस टाइप पी एफ ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मिलता है, ये आपको चेंज करना होगा। दोस्तों, आपको पास नहीं है तो आप ये दो पी एफ, ये पी एफ ऑफ रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेट चलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।